इसके बाद आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए काल रूप से अर्जुन के सारथी बनेंगे और अनेक उच्छिनी सेना का संहार करेंगे। यह सब मैं अपनी आँखों से देखूंगा। प्रभो, आप विशुद्ध विज्ञान घन हैं। आपके स्वरूप में और किसी का अस्तित्व है ही नहीं। आप नित्य निरंतर अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं, इसलिए सारे पदार्थ आपको नित्य प्राप्त ही है। आपका संकल्प अमोघ है। आपकी चिन्मयी शक्ति के सामने माया और माया से होने वाला यह त्रिगुणमय संसार चक्र निरूपित है। कभी हुआ ही नहीं ऐसे आप अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप नित्य ऐश्वर्य संपन्न भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। आप सबके अंतर्यामी और नियंता हैं। आपने आप में स्थित परम स्वतंत्र हैं। जगत और उसके आशेष विशेषों भाव अभाव रूप सारे भेद विभेदों की कल्पना केवल आपकी माया से ही हुई है। इस समय आपने अपनी लीला प्रकट करने के लिए मनुष्य का सा श्री विग्रह प्रकट किया है और आप यदु विष्णु तथा सातव वंशियों के शिरोमणि बने हैं। प्रभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के परम प्रेमी भक्त देवऋषि नारद जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति और प्रणाम किया। भगवान के दर्शन के आहाद से नारद जी का रोम रोम खिल उठा। तदंतर उनकी आज्ञा प्राप्त करके वे चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण केसी को लड़ाई में मारकर फिर अपने प्रेमी एवं प्रसन्नचित ग्वाल बालों के साथ पूर्ववर्त पशु पालन के काम में लग गए तथा ब्रजवासियों को परमानंद वितरण करने लगे। एक समय वे सब ग्वाल बाल पहाड़ की चोटियों पर गाय आदि पशुओं को चरा रहे थे तथा कुछ चोर और कुछ रक्षक बनकर छिपने छिपाने का लुका लुकी का खेल खेल रहे थे। राजन उन लोगों में से कुछ तो चोर और कुछ रक्षक तथा कुछ भेड़ बन गए थे। इस प्रकार वे निर्भय होकर खेल में रम गए थे। राजन उसी समय ग्वाल वाल का भेष धारण करके व्योमासुर वहां आया। वह मायावियों के आचार्य मायासुर का पुत्र था और स्वयं भी बड़ा मायावी था। वह खेल में बहुत था, चोर ही बनता और भेड़ बने हुए बहुत से बालकों को चुरा कर छिपा आता। वह महान असुर बार बार उन्हें ले जाकर एक पहाड़ की गुफा में डाल देता
और उसका दरवाजा एक बड़ी चट्टान से ढक देता। इस प्रकार ग्वाल वालों में केवल 4-5 बालक ही बच रहे। भक्तवत्सल भगवान उसकी यह करतूत जान गए। जिस समय वह ग्वाल वालों को लिए जा रहा था, उसी समय उन्होंने जैसे सिंह भेड़ियों को दबोच ले, उसी प्रकार उसे धर दबाया। व्योमासुर बड़ा बली था। उसने पहाड़ के समान अपना असली रूप प्रकट कर दिया और चाहा कि अपने को छुड़ा लूं, परंतु भगवान ने उसको इस प्रकार अपने शिकंजे में फांस लिया था कि वह अपने को छुड़ा ना सका। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से जकड़ कर उसे भूमि पर गिरा दिया और पशु की भांति गला घोटकर मार डाला। देवता लोग विमानों पर चढ़कर उनकी यह लीला देख रहे थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने गुफा के द्वार पर लगे हुए चट्टानों के बिहान तोड़ डाले और ग्वाल वालों को उस संकटपूर्ण स्थान से निकाल लिया। बड़े बड़े देवता और ग्वाल वाल उनकी स्तुति करने लगे और भगवान श्री कृष्ण ब्रज ब्रज में चले आए। जय हो, जय हो।